अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलाब मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके लिए लाता रहता हूं हर इन्फॉर्मेशन एडवांस। आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही बिजनेस आइडिया लाया हूं जिसके जरिए आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप हजारों कमा सकते हैं, बहुत ही कम मेहनत के साथ। आप इसको पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी आप अगर करना चाहते हो इसको कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जरूर एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिया करें। जी व्यूअर्स, आज का मेरा बिजनेस आइडिया है स्पेशल तौर पर अंडों के बारे में, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है तो अंडों के इस वक्त कीमतें आसमान को छूने पर लगी हुई हैं। मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अंडे सर्दियों में ही सेल होते हैं और सर्दियों में ही खाए जाते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से लोग अंडे खाना पसंद करते हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है और हमारे यहाँ देसी अंडा 25 रुपए का और इस वक्त 15 रुपए के करीब करीब तकरीबन फार्मी अंडा पहुँच चुका है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको अपने शहर के हालात या अपने रेट के और अपने यहाँ अंडों के रेट का भाव क्यों बता रहा हूँ। तो आज मैं आपको जो बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ वो है मुर्गी के अंडों का। अब आप इस मुर्गी के अंडों व देसी अंडों का बिजनेस भी कर सकते हैं, जिनको गोल्डन अंडे कहा जाता है। फार्मी अंडे भी मार्केट में सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह अपने अंडे हासिल करने और किस तरह इसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ वो है देसी मुर्गियों का, गोल्डन मुर्गियों के नाम से भी जानी जाती हैं। आजकल देसी मुर्गियाँ बहुत ही कम होती हैं, ज़्यादातर गोल्डन मुर्गियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। इसके अंडे भी काफ़ी ताकतवर चीज़ होती है। अब इनके अंडे की कीमत भी देसी अंडे की कीमत के बराबर होती है, कि नहीं पता ये अंडा गोल्डन मुर्गी का है या देसी मुर्गी का है, इसलिए इन दोनों की कीमतें बराबर होती हैं। अब जो पहला तरीका आपको बताने जा रहा हूँ इस बिज़नेस का, वो ये है कि आपने मुर्गियों को घर में पालना है, पाल कर बड़ा करना है, बड़ा करके अंडे हासिल करना है और इसको मार्केट में सेल करना है। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल तरीका है, अब आपको मैं बताता हूँ। आपने देहातों में जाना है, वहाँ से अंडे वगैरह इकट्ठे करने हैं, कोशिश करनी है सस्ती कीमत पर हासिल करें। कोशिश कीजिए ऐसे लोग घर जहाँ पर ज़्यादा मुर्गे पाली जाती है वहाँ पर आपने मुस्तकिल अपना एक सीरीज कायम करनी है, ताकि आप रोज़ के रोज़ वहीं से ही अंडे हासिल करें या हफ्ते में एक बार इकट्ठे करके उनसे अंडे हासिल कर लें। तरह ये अंडे आपने शहरों में लाने हैं, शहरों में लाकर आपने एक अपना जो चैनल बनाना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ किस तरह आपने बनाना है, इनको लाकर सेल करना है। जी ये तो था एक तरीका। दूसरा तरीका फार्मी अंडों का तरीका। अब फार्मी अंडे के बारे में आपको बताता जाऊँ तो ये किसी किस्म की मशीनी अंडे नहीं होते, ना ही कोई फार्म में खुद ब खुद हाथों से तैयार किए जाते हैं। जो हमारे यहाँ जिस तरह ब्रायलर मुर्गी 35 दिनों में तैयार की जाती है, ये भी लेयर मुर्गी के अंडे होते हैं जो चंद दिनों में ही इसको मुर्गी अंडे देना शुरू कर देती है और तकरीबन ये डेली का एक अंडा लाजमी देती है। जिस तरह देसी मुर्गी हमारे घरों में होती है, कभी उसने अंडा दिया कभी ना दिया, लेकिन फार्मी अंडे जो होते हैं ये तकरीबन हर मुर्गी डेली का एक अंडा देती है। तो आपने अपने आसपास के जो फार्म होंगे यहाँ पर लेयर मुर्गियाँ मौजूद होती हैं, वहाँ से जाकर ये अंडे इकट्ठे करने हैं। वहाँ पर ये लोग बड़ा कारोबार जो करते हैं, एक अच्छी खासी तादाद में अंडे मौजूद होते हैं, आपको वहाँ से ये अंडे सस्ते मिल सकते। अब ये तो हो गया दो तरीके, किस तरह आपने अंडे कलेक्ट करने हैं। अब इसको मार्केट में सेल किस तरह करना है, आप चाहे तो इसको घर में रख सकते हैं, अगर घर में जगह नहीं है तो आप कहीं भी शहर के किसी भी कोने में, सुनसान हो या आबाद, आपने वहाँ पर एक दुकान लेनी है, आप अपना ठिकाना बनाएंगे, वहाँ से लोग आपसे आकर अंडे खरीदेंगे। मोहल्ले वाले भी हो सकते हैं, शहरी भी हो सकते हैं, दुकानदार भी हो सकते हैं। मोहल्ले में कोई दुकान होती है उनको तो पता चल जाता है यहाँ पर ये स्पेशल अंडों की दुकान है, यहाँ पर रेट कम मिलता है। आप शहर में आपको विजिट करना पड़ेगा, आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करके आपने ये अंडे सेल करने हैं। इन अंडों को सेल करके आप बहुत बड़ा एक मार्जिन कमा सकते हैं। अगर आप बिलफर्ज देहात से 10 रुपए का अंडा लाते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, अगर देहात से 10 रुपए का अंडा लाते हैं तो आपका पेट्रोल वगैरह खर्चा लगाकर आपको अगर 11 रुपए का एक अंडा पड़ जाता है तो आप इसको 15 रुपए का मार्केट में शहर में बेच सकते हैं और आगे दुकानदार इसको 1-2 रुपए आप महंगा करके अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। ये एक थी एक मिसाल। इसी तरह ही मार्केट में हमारा हो रहा है, इसी तरह ही अंडे वगैरह के सेल का काम होता है। अगर आप दुकान भी नहीं बनाना चाहते तो आपने दुकानों पर जाकर इसकी मार्केटिंग करनी है। इसके अंडे के अमूमन 3 साइज रखे जाते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, लेकिन हमारे मुल्क में जो आम दुकानों पर इस्तेमाल होते हैं खरीदने वालों से, तो स्मॉल मीडियम लार्ज के मुताबिक ही खरीदे जाते हैं, लेकिन अगर सेल करने के लिए सबको मिक्स कर दिया जाता है और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया जाता है। शायद हो सकता है हम 2 नंबर भी इसको करार दे सकते हैं, लेकिन ये हमारे मुल्क का तरीका है। एक तरीका इनका गलत है, कोशिश कीजिए जिस तरह हासिल करें उसी तरह स्मॉल मीडियम लार्ज के तौर पर आगे सेल करें, ताकि आवाम को धोखा ना मिले किसी किस्म का भी। अब अगर आप इस बिज़नेस को
काम के पैमाने पर करना चाह रहे हैं तो आप इसको अगर सुबह टाइम कुछ और काम करते हैं तो सेकंड टाइम आपको पार्ट टाइम के तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। और अगर आप इसको एक बड़े वसी पैमाने पर ये बिजनेस स्टार्ट करने का इरादा रखते हैं तो आप इसको फुल टाइम के लिए भी इसको बिजनेस को अपना सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपने इसका डेली का रेट चेक करना है और उसी कीमत पर इनको खरीदना है और आगे जाकर सेल करना है। जिस तरह 1 रुपया तो आपको महंगा मिलेगा, आपने 1 रुपया आगे बढ़ा देना है, किसी किस्म के इसमें नुकसान का खर्चा नहीं है। हाँ, अगर ज़्यादा अंडे आप ले लेते हैं तो खुदा ना खास्ता ये गर्मी की वजह से या किसी भी वजह से या पीछे से ख़राब आते हैं तो या कच्चा अंडा होता है तो ये ख़राब होने का खर्चा होता है। तो अगर आप किसी दुकान वाले को सेल कर सकते हैं, हो सकता है आपको शिकायत का मौका मिले और वो आपको शिकायत करें। कोशिश कीजिएगा ज़्यादा अरसा अंडा स्टोर ना किया जाए क्योंकि इनके ख़राब होने का खर्चा होता है। जैसे कि आएँ अपनी मार्केट के मुताबिक आगे सेल कर दें और कोशिश कीजिए उतने अंडे लेके आए जितने आपका इरादा हो आगे सेल करने का या जितने आपसे आगे सेल हो सकते हो। तो यकीनन आपको आज का मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा। आज मैं कोशिश करता हूँ मैं जल्दी जल्दी कम वक्त में आपको ज़्यादा बातें बताऊँ। मेरे जल्दी बोलने की वजह भी यही होती है ताकि आप लोगों का कीमती वक्त ज़ाया ना हो। ज़्यादा दीजिए मुझे, इंशाल्लाह मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।